सोमवार को मोबाइल ऐप देखकर एक मासूम ने गले में चुन्नी का फंदा लगा लिया। पुलिस के अनुसार सोमवारी क्वार्टर में किराए से रहने वाला सचिन बारापात्रे इलेक्ट्रिशियन है और उनकी पत्नी गृहिणी। उनका 12 वर्षीय इकलौता बेटा मोबाइल पर गेम खेल रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवारी क्वार्टर में किराए से रहने वाला सचिन बारापात्रे पेशे से इलेक्ट्रिशियन बताया जा रहा है। उनके परिवार में उनकी पत्नी एवं 12 वर्षीय एक पुत्र था। बताया जाता है कि एम्स में उसके दिमागी हालत का भी उपचार जारी है। कम आयु का होने के बाद भी वह मोबाइल पर विविध गेम और कर्तव्य करने से संबंधित ऐप डाउनलोड कर उसे देखता रहता था और उसी में से एक ऐप है जिसमें आंखों पर पट्टी बांधकर रस्सी का फंदा खोलने का कर्तव्य दिखाया गया। ये ऐप वह अक्सर देखता रहता था। शाम को वह हमेशा की तरह पड़ोसी की छत पर गया और कुछ देर पतंग उड़ाते रहा। इसके बाद वह वहीं छत पर लगी लकड़ी की सीढ़ी से चुन्नी का झूला बांधकर खेलने लगा। संभवतः इसके बाद उसने ऐप वाला कर्तव्य किया जिसके चलते उसने सीढ़ी से चुन्नी बांधकर फांसी लगा ली, लेकिन फंदा नहीं खुलने से मासूम अगन्य के गले में चुन्नी का फंदा कस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो म्हणजे 25 तारखेची गोष्ट आहे, तो शाळेतून आला, त्याला मी चांगलं 12:30 वाजता शाळेतून, मी तेव्हा घरी होतो आणि त्याला घेऊन आलो शाळेतून। तो आल्यानंतर मला सांगितलं, तो खूप खुश होता त्या दिवशी माझा मुलगा, आणि त्याच्यानंतर तो आला मला सगळं सांगितलं। कारण तो खुश याच्यामुळे होता की त्याचं सिलेक्शन झालं होतं, नॅशनल खेळून आला होता, तर त्याच्या शाळेमध्ये म्हणजे त्याचा सत्कार होणार होता 26 तारखेला। तर मग तो तिकडनं आला, तिथे त्याचा डेमो पण होता, पुन्हा तो लाठी वगैरे खेळायचा, तर लाठी खेळायचा, त्याच्यामुळे तो म्हणजे नॅशनल जिंकून आलेला होता। तर तो जिंकून आल्यामुळे ते मग शाळेमध्ये, तिथे सेंट्रल स्कूलला हा गेम नाही आहे म्हणून त्यांनी सगळ्यांना इंट्रोड्यूस करून दिला की हा गेम म्हणजे असा असा आहे असं, ते सगळं प्रिन्सिपल वगैरे सगळे खुश झाले होते त्याच्यामुळे। तर त्याच्या ते दुसऱ्या दिवशी त्याचा गेम पण होता म्हणजे सगळ्यांच्या समोर 26 तारखेला स्टेजवरती, त्याच्यामुळे तो खूप खुश होता। आणि मग तो सगळं हे मला त्यांनी सांगितलं, त्यानंतर तो घरी आला, त्यांनी त्या दिवशी म्हणजे जेवण वगैरे नाही केलं, पण तो मग कसं तो आला, मग मी थोडा वेळ थांबलो घरी आणि मग मी आपल्या कामाला निघून गेलो। मी 2:30 वाजता तो मी जसं बाहेर गेलो तसं त्यांनी मग म्हणजे पतंग उडवायला गेला। तो पतंग उडवायला गेला तो मग त्यांनी तिथे काय केलं काय नाही केलं हे आम्हाला काहीही समजलं नाही। हां, पण मला 5 वाजता फोन आला, 4:30-5 वाजता की दादू असा असा लटकलेला आहे म्हणून इथल्या लोकांनी त्याला हॉस्पिटलला घेऊन गेले, पण माझ्या मुलगा नाही। मोबाईलमध्ये आम्ही म्हणजे आम्हाला ते नंतर लक्षात आलं की मोबाईलमध्ये एक यूट्यूब म्हणजे यूट्यूब चॅनलवरती एक व्हिडिओ डाउनलोड आहे की तो टास्क जो असतो तो आम्हाला असं वाटत आहे की तो टास्क कम्प्लीट करायला गेला तो त्याच्याबद्दल म्हणजे असं काहीतरी तो होऊ शकते की तो टास्क कम्प्लीट करायला गेला आणि ते त्याच्या जीवावर आला। आम्हाला ते यूट्यूब चॅनलवरती 100% शक आहे, कारण की ते त्याच्यामुळेच झालेलं आहे। तो मोबाईल म्हणजे असं खूप नाही बघायचा, त्याला फक्त त्याच्यामध्ये हे गाणे वाजवायला आवडायचं आणि जे क्यूब्सचे वगैरे हे नाही का घरं हे जे बनवतात डिझाईन वगैरे ते बनवायला आवडायचं त्याच्यात। मग कधी वगैरे त्यांनी हे केलं तर मग असे व्हिडिओ वगैरे कधी डाउनलोड गाणे डाउनलोड करायचा, पण असं तो खूप म्हणजे हे नाही करायचा मोबाईलला बी, पण तो मोबाईल बघायचा। त्या दिवशी तो शाळेतून आला, मी डेली त्याला आणत होती शाळेतून, पण त्या दिवशी पप्पा घरी असल्यामुळे मग पप्पा त्याला घ्यायला गेले। तो तिकडनं आला तर तो खूप म्हणजे खूप खुश होता, कारण तो लाठी युद्ध आणि दांडपट्ट्यामध्ये नॅशनल खेळून आला होता, तर 2 लाठीमध्ये त्याला सिल्वर मेडल भेटलेला होता आणि त्याच्या शाळेत हा गेम नाही आहे म्हणून त्याने 25 तारखेला आपल्या प्रिन्सिपलला तो गेम इंट्रोड्यूस करून दिला। तर सर खूप खुश झाले आणि त्याला रिवॉर्ड भेटणार होता दुसऱ्या दिवशी सबजनी झालेलं, म्हणून तो म्हणे की मम्मी मेरा सत्कार होने वाला आहे, मम्मी मेरा सत्कार होने वाला आहे, मुझे ये गेम इंट्रोड्यूस, मैंने स्कूल में ये गेम इंट्रोड्यूस करवाया हूँ सर, बहुत खुश हो गए। एक्चुअली वो थोड़ा सा चंचल होने के कारण हमेशा कंप्लेंट आती थी, लेकिन वो गेम स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छा था, मतलब स्कूल में भी असेंबली में वो माइक सेटिंग और जो भी ड्रम्स वगैरह की सेटिंग रहती थी, म्यूजिक सिस्टम का जो मतलब इलेक्ट्रिकल का जो ये रहता था वो अरेंजमेंट करता था सुबह प्रेयर्स के टाइम पर, तो ऐसे बाकी के काम में बहुत शार्प था वो। तो वो उस दिन बहुत खुश था, उसने बताया कि मम्मी मेरे जो प्रिंसिपल है वो बहुत खुश हो गए, मुझे रिवार्ड देने वाले हैं, उन्होंने मुझे ट्रेडिशनल कपड़े पहनने के लिए बोला है। घर आने के बाद उसका इतना मतलब
मुँह चालू था कंटिन्यू बताने में कि वो उस दिन आने के बाद उसने खाना भी नहीं खाया, जो घर सुबह टिफिन में खाया था स्कूल में वही अपने पापा को बताया। फिर उसकी हाइट वगैरह ज़्यादा होने के कारण कैसे वो अपने पापा के कपड़े उन्होंने मतलब पैजामा कुर्ता जो है वो ट्राई किया। उसके बाद में उसने अपने फ्रेंड से बात किया उसने कि हमारे पास में दो कुर्ते हैं एक जैसे हम दोनों पहनेंगे और कल हम गेम परफॉर्म करेंगे करके सब बातें हो गई। फिर उसके पापा ने खाना खाए, उसके पापा काम पे निकले, उसने पापा को बैग दिया, पापा को बाय किया उस दिन, मुझे पप्पी लिया, सबकी पप्पी लेके गया, सबको पप्पी ले लेके मैं बोली दादू मेरे को तूने थूक लगा दिया मिठाई तो और बार बार पप्पी लिया, मम्मी तू भी मेरी जबरदस्ती पप्पी ले, अपने पापा को भी जबरदस्ती खड़े थे चट से जाके पप्पी ले लिया, पापा लेने नहीं देते पप्पी करके सबकी पप्पी लेके। फिर बाद में पापा जैसे ही निकले, उसकी आदत थी पापा रहे तब तक घर में रहता था, जैसे ही निकले पतंग उड़ाएंगा या फिर मोबाइल ले लेंगे टीवी चालू करेगा, पापा रहे तब तक उसे अटेंशन वो पापा के तरफ देता था, जैसे पापा गए वो फिर इग्नोर कर देता था मेरी चीज़ों को, अपने इसमें बैठ जाता था। तो उस दिन उसको हमारे यहाँ साई ग्रुप है तो साईं बाबा का प्रोग्राम था तो उसको शाम को जाना था, वो बोले मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, बोले मैं सिर्फ सर के पास जाके दो लकड़ियां लेकर आऊंगा खेलने के लिए। तो उसने अपना शायद प्रोग्राम सेट कर लिया था कि मुझे पतंग भी उड़ानी है, तो वो दोपहर में ही पतंग उड़ाने चले गया क्योंकि उसको 4 बजे सर जब स्कूल से आएंगे तभी उसको लकड़ी मिलेंगी, तो इसीलिए वो पतंग उड़ाने के लिए चले गया। मैं बाहर पेपर पढ़ रही थी, वो मुझे दिख रहा था गच्ची से पतंग उड़ा रहा है करके, उसकी पतंग फंसी, उसने मुझे आवाज़ दिया मम्मी पतंग फंस गई है, मैंने वहाँ से उसको पतंग निकाल के दी, फिर उसने पतंग इधर तक लाया तो यहाँ तार पे वो पतंग कैसे अटक गई, पतंग अटकने के कारण कैसे, फिर उसने मुझे कहा कि मम्मी वो पतंग निकाल ले, पतंग निकाल के मैंने अपने पास रख ली तो उसने मुझे ऊपर बुलाया कि मम्मी पतंग ऊपर ला के दे, मैं बोली बेटा तेरा ये रोज का नाटक है, तू ही लेके चले जा पतंग, पतंग उड़ाने के लिए वो नीचे फिर से पतंग लेके गया, वो पतंग फट गई, दूसरी पतंग लेके गया, और वो फिर क्या करता था, कागदी पतंग रहती है तो वो टेप लेके जाता था, उसको टेप को चिपकाता था नीचे बैठ के, तो वो दिखता नहीं था थोड़ी देर तक, तो मैं ऐसे आवाज़ देती थी फिर वो उठ के आवाज़ दे देता था, लेकिन फिर मुझे लगा पतंग उड़ा रहा है, मैं अंदर आई, मैं थोड़ा लेट गई 10-15 मिनट, बाद में फिर बाहर निकली मैं अपने काम, क्योंकि वो उसका डेली का है, वो मतलब उनके घर में जिनके घर पतंग उड़ा रहा है वो हमेशा जाता था पतंग उड़ाने को, तो हम ऐसा कोई विचार नहीं करेंगे ना कि हमारा बच्चा ये करने को जा रहा है करके। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया ये मुझे भी नहीं मालूम, जब वो सामने वालों ने आवाज़ दी मुझे तब मुझे लगा कि इसने कुछ तो भी गलत कर लिया, इसलिए वो मुझे इतने घाई से बुला रहे, दौड़ते हो गई तो वो हैंगिंग था वहाँ पर। उसके बाद मेरा बस ये कहना है, मुझे तब भी नहीं मालूम था, मैंने उसको हॉस्पिटल में लेके चले गई साथ में, मुझे मालूम था वो नहीं है क्योंकि इस तरह की कंडीशन में 2 मिनट नहीं लगते, फिर भी सब मुझे बता रहे थे कि ये है लेकिन वो नहीं था। वो गेम ऐसे नेचुरली सिंपल दे जैसे गेम खेलते हैं ना वैसे, लेकिन उसको कैसे थोड़ा सस्पेंस वाले गेम मतलब कुछ ऐसे टास्क वाले गेम रहते थे ये करने का है, फिर वो फ्री फायर में भी वैसे ही खेलता था GTA, तो वैसा ही, तो मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि उसने ये डाउनलोड किया, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो डाउनलोड किया। जनरली कैसे मेरे मोबाइल में नेट नहीं है, मैं सिंपल पैक करती हूँ यूज़, तो मुझे ये नहीं पता था कि उसने डाउनलोड किया है, लेकिन ये सब हो गया ना तो फिर उस दिन रात को मुझे ऐसा लगा कि उसने कुछ तो भी देख के तो नहीं किया। फिर मैंने रात में जब वो हॉस्पिटल में ही था, मैं रात में जब मोबाइल चेक की तब मुझे ऐसा ये वीडियो दिखा कि ये है, तो मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे ऐसा शॉक्ड हुआ कि शायद ये वीडियो के वजह से ही वो कुछ टास्क वहाँ कर रहा होगा करके। तो मेरा बस यही कहना है कि यूट्यूब चैनल ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है कि जो बेकार है, लेकिन उस चीज़ का सही उपयोग करो। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, बच्चे लोग पढ़ाई करने वाले वगैरह भी आजकल सब इसमें दिखा देता है कि ये देखो 10 साल का बच्चा इतना पैसा कमा रहा है, ये मतलब छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब चैनल के थ्रू कैसे बहुत पैसे अर्न करने लगे हैं, तो बच्चों को कैसा पैसे का अट्रैक्शन हो गया है, तो फालतू चीज़ें बना बना के भी वो यूट्यूब में डाल रहे हैं, अननेसेसरी कुछ भी चीज़ करते हैं ऐसे कूद जाते हैं, किचन में भी उछल जाएंगे तो भी उसका बना लेते हैं यूट्यूब में डाल देते, मतलब अननेसेसरी फालतू चीज़ों को डाल रहे हैं वो, और लोगों को वो चीज़ें कैसे, बच्चे लोग ऐसा लगता है ये सिंपल चीज़ है, लेकिन कभी कभी सिंपल चीज़ भी ज़िंदगी के लिए हार्ड हो जाती है।
आज हमारे बच्चे ने वो देखा है, मुझे पता नहीं वो देख के ही उसने किया है क्या, लेकिन वो जो वीडियो है वो वीडियो से ये मैसेज जा रहा है कि अननेसेसरी तुम ये फालतू के वीडियो फेमस होने के लिए डाल रहे हो। वो तो बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं, वो लड़कियों ने बनाई हैं, लेकिन यदि उन बड़े लोगों का टास्क यदि कोई छोटे बच्चे कर रहे हैं और उनसे वो टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है उस कंडीशन में, तो इस तरह की सिचुएशन किसी के भी ऊपर आ सकती है। तर सोमवारी क्वार्टर मधला मुलगा आहे 12 वर्षाचा, 12 पात्रे सरने माहित आहे, आणि हा मुलगा अतिशय ओव्हर ॲक्टिव्ह, म्हणजे त्याच्यावर सायकियाट्रिस्टकडून त्याचे आईवडील उपचार घेत होते, त्याचबरोबर त्याला यूट्यूबवर वेगवेगळे व्हिडिओ पाहण्याचा नाद होता। त्या नादातून त्याने डोळे बांधून आणि हात बांधलेले असताना ते हात कसे सोडवायचे याचा एक व्हिडिओ पाहिलेला आम्हाला आढळला, आणि तसाच काहीतरी तो प्रकार करायला गेला असावा असा आमचा प्राथमिक अंदाज आहे। आणि जी परिस्थिती जे ज्यांनी त्याला त्या याच्यातून सोडवलं त्यांच्या सांगण्यावरून, त्याचप्रमाणे त्याला एक नाद असाही होता की घरातल्या ओढण्या आणि साड्या वगैरे घेऊन आईच्या तो घरातच झुला बांधायचा आणि त्या झुल्याला तो खेळायचा। तर तसाही प्रकार त्याने केला असू शकतो, कारण ती जी शिडी बांधलेली आहे ती परिस्थिती जी पाहिली आम्ही त्यावरून एक प्राथमिक अंदाज असा आहे किंवा तपासात जे निष्पन्न होत आहे की ही आत्महत्या नाही आहे, कारण मुलगा तसा आनंदी होता, फार ओव्हर ॲक्टिव्ह आणि खेळकर होता, वेगवेगळ्या लाठी याच्या स्पर्धेमध्ये त्याने भाग घेतलेला होता। तर आत्महत्या हा प्रकार नसून हा अपघात झालेला आहे आणि त्याचा मृत्यू झाला। त्याने एक ॲप डाउनलोड केलं आहे, ते व्हिडिओ डाउनलोड केलेला आहे, ॲप म्हणता येणार नाही, व्हिडिओ डाउनलोड केलेला आहे। तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर आम्हाला दिसतं की दोन मुली आहे त्या व्हिडिओमध्ये, त्यांनी एका मुलीचे हात बांधलेले आहेत आणि चेहराही बांधलेला आहे, तशा परिस्थितीत ती हात ती कसे सोडून घेते असा एक व्हिडिओ त्याने बघितलेला, त्याच्या आईने सांगितल्याप्रमाणे आणि त्या आईच्या मोबाईलमध्ये जे बघितलं आम्ही त्याच्यात दिसून येत आहे। आणि तो काय जो व्हिडिओ बघितला आम्ही तो फार म्हणजे असं प्राणघातक असं काही होईल असं तर दिसत नाही प्राथमिक दृष्ट्या, परंतु याला जो घरामध्ये उंच कडीला किंवा उंच जागेला ओढणीने आणि साडीने झुला बांधून झुलायचा जो नाद होता त्या तो प्रकार त्याने केला असावा असा आमचा याच्यामध्ये अंदाज आहे। तसं बघायला गेलं तर त्याच्या आईवडिलांनी त्याचं व्यवस्थित पद्धतीने उपचार केला आहे, कारण तो ओव्हर ॲक्टिव्ह होता, त्याच्या एनर्जीला चांगलं हे देण्यासाठी त्याला स्पोर्ट्समध्ये त्यांनी त्याचा सहभाग करून घेतलेला होता आणि त्याच्या ओव्हर ॲक्टिव्हपणासाठी त्याच्यावर औषध उपचार पण चालू होते आणि त्याच्याजवळ मोबाईल पण ते जास्त ठेवत नव्हते, परंतु तरी देखील मोबाईल त्याने आईच्या नजरेआड घेऊन त्याच्यात बघायचा तो वेळोवेळी। तरी सर्वसामान्य बाकी जनतेला आमचं सांगणं, बाकी पण गोष्टी आमच्या ज्या लक्षात येत आहे आजकाल मुलं किंवा मुली ह्या ऑनलाईनच्या कोविडच्या याच्यानंतर मुलांच्या हातात मोबाईल आले आणि मोबाईलचा वापर ते कुठलाही कंट्रोल न ठेवता करतात, त्यामुळे बऱ्याचशा घटना मुला आणि मुलींच्या बाबतीत 18 वर्षाच्या खालच्या ह्या घडत आहेत। तर ते काय बघतायत किंवा काय करतायत याच्यावर आईवडिलांनी नियंत्रण ठेवलं पाहिजे असं आम्हाला वाटतं। बरोबर आहे, ओव्हर ॲक्टिव्ह मानसिक आधार म्हणता येणार किंवा नाही मी ते याच्यातला तज्ज्ञ नसल्यामुळे मला सांगता येणार नाही, परंतु त्याच्यावर त्याच्या ओव्हर ॲक्टिव्हपणामुळे चांगल्या दवाखान्यात उपचार चालू होतो, तसं तर काही हे नाही कृत्य केल्याबाबत नाही, पण तो रोजचे वेगवेगळे काहीतरी हे करत राहायचा, म्हणजे शांत बसत नव्हता, ओव्हर ॲक्टिव्ह म्हणजे एका जागेवर एका मिनटापेक्षा जास्त शांत बसू शकत नव्हता असं त्याच्या ज्या मेडिकलच्या फाईल बघून आम्हाला लिहिलेलं आहे त्याच्यात त्याप्रमाणे सांगतो। गौरतलब रहे कि सभी राज्यों की पुलिस और अन्य गैर सरकारी संगठनों की तरफ से समय समय पर पेरेंट्स से भी अपील की जाती है कि वे अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, खास करके तब जब उनके बच्चे मोबाइल फोन पर ज्यादातर समय बिता रहे हैं, ताकि बच्चों की सेहत और संगत दोनों पर नजर रखी जा सके। NBC न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।